ये आपकी मुस्कुराहट तो देखो। तो ये भैया पता नहीं कहाँ से आए, भगवान की तरह। इतनी गर्मी हो रही थी ना कि टावल निकाल के भाई ऊपर रख लिया, और ये साइकिल मेरे लिए पैदल जा रहे हैं पुल लगा। अगर मना करेंगे तो भाई यहाँ कोप से, यहाँ मैं जाने तो वाला हूँ नहीं, मैं रोड पे लगा दूंगा आज कुछ उधर। राधे राधे भाई सभी को। सुबह के बज रहे 7 और मैं नहा धो के फ्रेश हो चुका हूँ बिल्कुल। भाई कल रात मैं रुका हुआ था एक फायर ब्रिगेड के ऑफिस में, जो कि रामसनेही घाट में पड़ता है। तो यहाँ पे एक सर थे बहुत अच्छे, तो मैं कल रात, मेरे को जगह नहीं मिल रही थी रहने के लिए, लगभग 8:30 हो गए थे मेरे को ढूंढते ढूंढते, तो काफ़ी रात हो गई थी। तो मैं सिटी की तरफ जा रहा था, तो मेरे को एक पेट्रोलिंग गाड़ी दिखती है, तो मैं वहाँ पर रुकता हूँ उनसे पूछने के लिए सर से। तो वो तो बोल देते हैं कि आगे मंदिर में जगह है, तो आप वहाँ चले जाइए। बट जो इनके जो ब्रांच के जो हेड हैं, वो सर का नाम मेरे को पता नहीं है। तो उन्होंने क्या करा, उनको जैसे पता चला कि ऐसी कोई लड़का कोई बच्चा आया था करके, तो उन्होंने एक सर को भेजा मार्केट में ढूंढने के लिए। तो उनको मैं मिलता हूँ वहाँ पर जाने के बाद, तो वो मुझे वहाँ से मुझे ढूंढ के दोबारा वापस लेके आते हैं 5 किलोमीटर दूर से। बोलते हैं कि सर ने आपको बुलाया, आप चलो हमारे साथ। तो वो मेरे को लेके आते हैं लगभग 8:30 के आसपास, और कल रात में फिर मैं यहीं रुकता हूँ। और अभी भाई एक सीन हो गया है, जब मैं रात में भाई खाना खाने के बाद ना, खाना भी सर ने बोला आप यहीं पे खा लेना, तो मैंने खाना भी यहीं खा लिया था। तो उसके बाद जब मैं भाई अपने कपड़े लेने के लिए अपनी साइकिल पर गया, तो देखा वो जो पंचर मैंने लगवाया था वो दोबारा से पंचर हो गई है। तो अब भाई एक सीन यह है कि कल रात मुझे पता चल गया था पंचर तो हो ही गई है, तो सुबह तो निकल नहीं पाऊंगा। तो मैं ढंग से सो लिया भाई, आराम कर लिया, थोड़ा सा रेस्ट ले लिया, और अभी मैं नहा धो के रेडी हूँ। अब पहले पंचर लगवाना है, आसपास तो दुकान है नहीं, खुद ही लगाना पड़ेगा, तो पंचर लगाना है। देन भाई उसके बाद फिर निकलना है मेरे को यहाँ से। अयोध्या जी की दूरी यहाँ पर से रह गई 69 किलोमीटर, तो आज बहुत ज़्यादा मुश्किल काम रहेगा मेरे लिए 70 किलोमीटर खींचना। कल वही मैंने 95 के आसपास चलाई है साइकिल, और आज 70 चलानी है। तो 70 में चला देता अगर और अर्ली मॉर्निंग निकलता तो, मगर अभी धूप बहुत ज़्यादा हो गई तो थोड़ा सा इशू रहेगा मेरे साथ। तो अब भाई साइकिल वाइकिल रिपेयर करते हैं, उसके बाद निकलते हैं अयोध्या जी की तरफ। आज है मेरा डे 11, और रात में मैं यहाँ सोया हुआ था फायर ब्रिगेड के ऑफिस में। इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ यहाँ पर आप देख सकते हो, और आप ये भी देख सकते हो कि मेरी साइकिल पंचर है। ये मेरे साथ दूसरी बार हो रहा है, कल भी हुआ था सेम चीज़, और अभी फिर हो गया। तो अभी भाई यही प्लान है कि ये सारा सामान उतार के, मैं सारा सामान उतारूँगा पहले, और फिर इसका पंचर लगवाऊंगा बढ़िया करके। अभी मैं आया हूँ लगभग 200 मीटर पीछे फायर ऑफिस से, तो यहाँ पर ये भैया से मिला हूँ मैं। आपका नाम क्या है भैया? रमेश कुमार नाम है अपना। ये कौन सी जगह पड़ती है? रामसनेही घाट पड़ता है ना पूरा? अच्छा, तो कितने रुपए ले रहे हो आप मेरे से पंचर के? अभी आपने मुझसे 15 कहा। नो, अब आप 10 कह रहे हैं। भैया ने अभी मुझसे 15 कहा है और अब मुझसे 10 कह रहे हैं यार। कोई बात नहीं, आपको 15 ही देंगे। तो अभी पंचर वगैरह लगाने के बाद फिर यहाँ से निकल जाऊँगा, क्योंकि धूप तो बहुत ज़्यादा हो गई है, इतनी ज़्यादा चलेगी नहीं। 69 किलोमीटर हमें कवर करना है, तो 3-4 स्टेप में भाई 30 किलोमीटर मॉर्निंग में कवर कर दूंगा, बाकी का जो बचेगा वो इवनिंग में कवर करेंगे। तो भैया ये हमारा अभी पंचर जोड़ लें, और ये हमारी साइकिल लेटी पड़ी है। तो भैया ने कैमरा देख के भाई पहले 15 से 10 पे आ गए वो। चलो सही है यार। तो ये भैया हैं जो बड़े स्टाइल से लगा रहे पंचर। तो कल जो हमारा पंचर था वही ख़राब हो गया है, क्योंकि वो हुआ ये कि वजन ज़्यादा था, भैया कह रहे कि सही से लगाया गया पंचर, तो उसका पंचर लगा के फटाफट से। तो भैया हो जाएगा इस बार बढ़िया काम, इधर देखो हो जाएगा। ये आपकी मुस्कुराहट तो देखो। वाह क्या मुस्कुराहट है। बढ़िया। तो भाई पंचर वगैरह जुड़ गया है, हवा हवा भर ली है, और ये भैया इतने स्वीट है बहुत ज्यादा। तो ये रहे भैया। तो भैया इतने मस्त है भाई कि हमारा पंचर वंचर जोड़ दिया है, और पैसे भी बहुत कम लिए हमसे। अब यहाँ से मैं निकल रहा हूँ भाई, दोबारा से जाऊँगा फायर ऑफिस, सामान लोड करूँगा, और फिर वहाँ से निकल जाऊँगा अयोध्या की तरफ। मैं कल रात रुका हुआ था यहाँ पर फायर ऑफिस में, तो जो सर थे जिन्होंने भेजा था वो भैया को मेरे को लेने के लिए, तो वो सर से मैं आपको मिलाना चाहता हूँ। तो ये सर है, सर अपना नाम बता दीजिए। राहुल कुमार है। तो सर आप यहाँ पर कब से हैं सर? यहाँ पर इसी भाई पिछले साल से यहाँ पर पोस्टिंग है। पिछले साल से पोस्टिंग है। तो सर ने मेरे को यहाँ पर बहुत ज़्यादा हेल्प करी है,
और सर ने मुझे रहने के लिए खाने के लिए मॉर्निंग में भी दिया है और इवनिंग में भी मेरा कर दिया था सारा इंतजाम। तो जस्ट मैं सर को थैंक यू बोलकर अब निकलने वाला हूँ। रेडी वेडी हो चुका हूँ और मॉर्निंग के बज चुके हैं अभी 9:39 हो रहे हैं और मैं पीछे कल रात यहीं रुका हुआ था, तो सर से भी मिल लिया तो कुछ इस जगह में रुका हुआ था। तो भाई अभी निकल रहा हूँ वो अगेन NH-30 के ऊपर और यहाँ से चले जा रहा हूँ अयोध्या की तरफ। अयोध्या की दूरी जो रह गई है वो यहाँ पर से रह गई लगभग 69 किलोमीटर, तो वो भी मुझे भी पार करना है। तो यहाँ पर जो मेरा एक्सपीरियंस था वो नेक्स्ट लेवल था, सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे थे, तो बहुत ज़्यादा मेरे को मतलब हेल्पफुल रहा यहाँ पर रहना और बहुत ज़्यादा मदद भी हुई मेरी। तो अब भाई निकलते हैं अयोध्या की तरफ। तो राधा रानी का नाम लेकर एक और दिन की शुरुआत कर दी है और अभी बज रहे हैं सुबह के 9:40। रास्ता कुछ ऐसा ही रहने वाला है। बीती रात मैं फायर ब्रिगेड के ऑफिस में था जहाँ पर मेरा एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल था। पूरा घर जैसा माहौल, एक सर और थे जो वहाँ पे खाने के इंचार्ज थे, उन्होंने वीडियो के लिए तो इनकार कर दिया क्योंकि वो थोड़ा सा इन सब चीज़ों से अलग थलग रहते हैं, मगर उनका व्यवहार इतना अच्छा था, मतलब बोलते ना कि पिता की तरह संभाल के रखना, ऐसा करा उन्होंने बिल्कुल। रात में मुझे बोला था कि सुबह खाना खा के जाना, बट मैंने उनको मना कर दिया था, पर साइकिल पंचर हो गई थी, दैट्स वाई मैं नहीं जा पाया सुबह और खाना खाने के लिए दोबारा गया। उन्होंने ये बोला कि मैं जो कर रहा हूँ वो आपकी सेवा है और उनकी किस्मत अच्छी है कि उनको ये अवसर मिला कि वो मेरी सेवा कर रहे हैं। अयोध्या जी की दूरी यहाँ पर 59 किलोमीटर रह गई है और रास्ते में मुझे एक भैया मिलते हैं जो कि उधर ही की तरफ जा रहे हैं लगभग 10-15 किलोमीटर तक। तो उन्होंने मुझे कुछ खाने के लिए ऑफर किया बट अभी पेट पूरा भरा हुआ है तो मैंने मना कर दिया है। तो मैं आपको उन भैया से मिलाता हूँ। कैसे हैं भैया आप? बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे हैं। नाम क्या है अपना? कमलेश। कमलेश नाम है। तो आप ये बताइए, श्री राम मंदिर बनने से आपको खुशी हुई? हाँ, बहुत खुशी है। तो आप घूमने क्यों नहीं गए अभी तक? घूमने क्या, मैं शहर में रहता हूँ, जम्मू कश्मीर में। अच्छा, जम्मू में रहते हैं, तो इसलिए काम टाइम मिलता है। तो आपको आपको कैसा फील होता है अब आपकी मंदिर अब बन चुका है, श्री राम जी आ चुके हैं? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगता है ना? बहुत अच्छा। तो आप कब जाने का प्लान है आपका? इसी साल जाऊंगा। बिल्कुल, बरसात के बाद। बरसात के बाद जाएंगे, दर्शन करेंगे। तो राम मंदिर बनने से सभी को बहुत ज्यादा खुशी है। तो अब भाई राइड को कंटिन्यू करता हूँ, ऑलमोस्ट 59 किलोमीटर है, तो 20 किलोमीटर और खींच के फिर रेस्ट करूंगा। तो भाई थर्ड टाइम ही मेरा टायर पंचर हो रहा है 2 दिन के अंदर, और ये भैया मुझे मिले थे अभी और वो बेचारे देखो मेरा बैग धो रहे हैं। तो अच्छे लोग आज भी हैं, भगवान परीक्षा लेता है, भगवान लोगों को भी भेजता है आपके लिए। तो ये भैया पता नहीं कहाँ से आए, भगवान की तरह मेरे लिए पैदल जा रहे हैं। अब्दुल्ला वो भैया जा रहे हैं मेरा बैग लेके, और ये मैं हूँ भाई। इतनी गर्मी हो रही थी ना कि टावल निकाल के भाई ऊपर रख लिया और ये साइकिल है मेरे। बहुत ज़्यादा धूप हो रही है यार, साइकिल का पंचर जोड़ने के लिए भाई लगभग 4 किलोमीटर पैदल चला हूँ इतनी ज़्यादा धूप के अंदर। तो फाइनली मेरे को मिल गई एक दुकान जहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि साइकिल का काम कर रहे हैं। तो वो हमारी साइकिल खड़ी है भाई पूरी तरीके से पंचर। तो अभी यहाँ पर इसका काम कराने के बाद फिर दोबारा कंटिन्यू राइडिंग करेंगे। ये भैया भी मेरे साथ रुके हुए जो मुझे पीछे मिले हुए थे। कौन सा गांव था जहाँ मुझे मिले थे? जरेला। हाँ, तो जरेला में मुझे मिले थे, वहाँ से अभी तक मेरे साथ में मेरा बैग भी ढो के ले आए यहाँ तक। तो बस अब इसको सही करवा के फिर निकलूंगा आगे की तरफ। तो ये है वो भैया जिनका नाम कमलेश है और इन्होंने मेरी पूरे रास्ते मदद करी है और अभी भी जूस पिलाया है मेरे को। तो भाई वहाँ पे टायर पंचर हो गया था, टायर पंचर से लेकर अभी तक मेरी पूरी हेल्प करी है। और अब आ गया है इनके घर का रास्ता जो कि उधर है और मुझे जाना है इस तरफ। तो भैया ने अभी जाते भी मुझे जूस पिलाया और साइकिल के वहाँ पे पूरे टाइम मेरे साथ में रहती गर्मी में। तो शुक्रिया भैया आपका दिल से कि आपने इतनी मेरी मदद करी, थैंक यू। तो भाई लोग मैं हूँ अभी अयोध्या से लगभग 35 किलोमीटर पीछे और शाम के बज रहे 5:02। और भाई आज साइकिल ने इतना परेशान किया ना, 2-3 बार पंचर हो गया, सुबह भी लेट हो गया, उसके बाद भी भाई मैं जैसे तैसे यहाँ तक आया। पर अब हिम्मत ना भाई जवाब दे रही है। और तो और भाई अब क्या हुआ है, मेरे GoPro में तो मेरी वीडियो शो कर रही है कल की और परसों की, पर मेरे फोन में शो नहीं कर रही है। अब भाई ये और इशू है, मैं अभी तक वीडियो एडिट नहीं कर पाया और आज की वीडियो भी अपलोड नहीं कर पाया, पता नहीं क्या होगा यार। तो भाई टाइम अभी हो रहा है 7:21 और मैं हूँ अभी भारत पेट्रोलियम के एक पेट्रोल पंप पे। भाई ये फैजाबाद से लगभग 10 किलोमीटर पीछे पड़ता है और यहाँ से अयोध्या की दूरी रह गई है 17 किलोमीटर।
तो भाई आगे तक जा नहीं पाया क्योंकि बहुत ज्यादा अंधेरा हो गया, 7:30 हो चुके हैं। 3 बार भाई पंचर हो गया कल से अभी तक, एक बार कल हुआ था, फिर आज सुबह हो गया, फिर उसके बाद भाई दोबारा फिर हो गया, ट्यूब पूरी चेंज करवा दी, उसके बाद फिर भी मैंने ये सब करने के बाद भी भाई 52 किलोमीटर साइकिल चला दी। बहुत ज़्यादा थक गया, आज वीडियो भी नहीं आ पाई क्योंकि मेरा GoPro में जो मैंने रिकॉर्ड करा था वो भाई रिकॉर्डिंग आ ही नहीं रही है, शो नहीं हो रही है, तो पता नहीं भाई क्या होगा, शायद ये वीडियोस दोनों कल आए। अब जो भी होता है, अब यहाँ पर से मैंने पता किया है तो इनको तो इजाज़त मिल गई यहाँ पे लगाने की, बाकी मैनेजर साहब थे नहीं तो जो थे यहाँ पे काम करने उन्होंने कहा कि अब लगा लो, अभी आएंगे तो देखते हैं, अगर मना करेंगे तो भाई यहाँ कोप से यहाँ मैं जाने तो वाला हूँ नहीं, मैं रोड पे लगा दूँगा आज कुछ हो जाए, बाकी देखते हैं। अभी चप्पल अप्पल भाई खोल के बैठा हुआ, देखो सुबह से जूते में था और ये पैंट भी आया था कर लिया मैंने, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है भाई, अब कुछ खा के आता हूँ।